नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अनुमान के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश, गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई है। शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये है पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93.95 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 97.29 रुपए। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93.24 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 86.56 रुपए। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93.46 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 86.80 रुपए। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 93.27 रुपए, वहीं डीजल के दाम है 86.60 रुपए। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। विधायकों को बुलावा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर फैसला लेने के लिए भाजपा के सभी विधायकों को आज देहरादून बुलाया गया है। 20 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। विधायकों का शपथ ग्रहण। 5वीं विधानसभा के लिए चुने गए विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित किया जा सकता है। पहले प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत राजभवन में शपथ लेंगे, उसके बाद विधानसभा में पहुंचकर विधायकों को शपथ दिलाएंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक टीम पहुंचेगी दून। उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर दिल्ली में शाम को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे। शपथ ग्रहण की तैयारियां। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बैठक करेगा। लखनऊ दौरे पर शाह। उत्तर प्रदेश में नई सरकार गठन को लेकर तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रघुबर दास लखनऊ के दौरे पर पहुंचेंगे। शाह और दास यहां पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं। ताज महोत्सव। ताज महोत्सव आज से शुरू होगा। इस बार ताज महोत्सव की थीम आजादी के अमृत महोत्सव के संग ताज महोत्सव के रंग है। एंट्री फीस 50 रुपए होगी। ताज महोत्सव का आयोजन ताजमहल से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर शिल्प ग्राम में होता है। टीम का ट्रायल। 32वें नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए उत्तराखंड की महिला और पुरुष टीम का ट्रायल रुद्रपुर में शुरू होगा। विश्व गौरैया दिवस। विलुप्त हो रही गौरैया पक्षी को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। साल 2010 में हर साल गौरैया दिवस मनाते हुए लोग गौरैया को बचाने के लिए संकल्प लेते हैं। होली भाई दूज। भाई दूज साल में दो बार आता है, एक होली के बाद और दूसरा दीपावली के बाद। होली के 2 दिन बाद मनाए जाने वाले इस भाई दूज को होली भाई दूज के नाम से जाना जाता है। होली भाई दूज पर भी सभी बहनें भाई को तमाम संकटों से बचाने और उसकी दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और उसका तिलक करने के बाद व्रत खोलती हैं। हल्द्वानी में बंद घर को चोरों ने बनाया निशाना, जेवरात और नकदी पर किया हाथ साफ। महिला डिग्री कॉलेज की प्राध्यापिका के जज फॉर्म स्थित घर का ताला तोड़। चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पूरे मामले में मुखानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं भर्ती चोरी की घटना से लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मारपीट मामले में ग्रामीण मुखर, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। चमोली में होली के बाद नहाने को लेकर हुई मारपीट में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद मामले में तूल पकड़ लिया। ग्रामीणों ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उपजिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने बताया कि आरोपी कर्मचारियों को लाइन हाजिर किया गया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सेवा की सिल्वर जुबली। 27 मार्च को राष्ट्रपति कोविंद आएंगे, दिव्य प्रेम सेवा मिशन सिल्वर जुबली कार्यक्रम में होंगे शामिल। कुष्ठ रोगियों के लिए काम करने वाले दिव्य प्रेम सेवा मिशन को 25 साल पूरे होने वाले हैं, जिसके लिए 27 मार्च को एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। ओरी चिरैया, अंगना में आ जा तू। कोटद्वार के दिनेश की मेहनत रंग लाई, चहकने लगी गौरैया। कोटद्वार के नंदपुर गांव के रहने वाले शिक्षक दिनेश कुकरेती अध्यापन कार्य के साथ साथ गौरैया के संरक्षण का भी काम करते हैं। दिनेश कुकरेती पिछले 15 साल से गौरैया के संरक्षण का काम कर रहे हैं। गौरैया के लिए दिनेश घोंसला खुद ही बनाते हैं। अभी तक विभिन्न राज्यों में 1600 घोंसला और क्षेत्र में करीब 500 घोंसला लगा चुके हैं। आराकोट में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, ग्रामीणों में आक्रोश। सीमांत विकास खंड मोरी के आराकोट गांव में एक महिला की कमरे में संदिग्ध हालत में मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। महिला के हाथ पैर बंधे थे, ऐसे में परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या करने का अंदेशा जताया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए नौगांव भेज दिया। मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी गई है। लक्ष्य सेन ने रचा इतिहास, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे। लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में लक्ष्य ने मलेशिया के ली जी जिया को मात दी। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज। बिंदुखता के तिवानी नगर निवासी शिवदत्त जोशी ने कहा कि उसकी पुत्री गीता की शादी 9 मई 2021 को परमा हल्दूचौड़ निवासी चंदन दुमका से हुई थी। शादी के बाद श्री चंदन ने दहेज के लिए उसकी बेटी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। रेलवे पुल पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आया युवक, दर्दनाक मौत।
ज्वालापुर क्षेत्र में स्थित रेलवे के लाल पुल को पार करते समय एक युवक की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। वहीं अब तक पुलिस मृतक की शिनाख्त नहीं कर पाई है। ऐसे में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। काशीपुर में दवा कंपनी में लगी आग घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया काबू। देर शाम मुरादाबाद रोड पर एग्रोन रेमेडीज नामक एक दवा कंपनी की बिल्डिंग में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बीजेपी आलाकमान के बुलावे पर धामी और त्रिवेंद्र दिल्ली रवाना। मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार। उत्तराखंड में सीएम फेस को लेकर कयासों का दौर जारी है। इसी बीच हाईकमान के बुलाने पर कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से दिल्ली रवाना हो गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्दी सीएम फेस को लेकर दिल्ली से कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। उत्तराखंड के स्कूलों में नहीं दिखेंगे प्लास्टिक आइटम, बैन के आदेश जारी। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसके तहत अब विभाग में प्लास्टिक के सामान पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाए गए। इससे पहले सचिवालय में भी प्लास्टिक के सामान पर प्रतिबंध लगाया गया था, जबकि अब शिक्षा विभाग ने भी इस मामले में फैसला लेते हुए प्लास्टिक को गुड बाय कह दिया है। गोला बैराज में डूबने से चौकी इंचार्ज की मौत। सिपाहियों के साथ नहाने के दौरान हुआ हादसा। काठगोदाम मल्ला चौकी इंचार्ज की गोला बैराज में डूबने से मौत हो गई। काठगोदाम मल्ला चौकी पुलिस इंचार्ज अमरपाल कल होली के मौके पर सिपाही के साथ गोला बैराज में नहाने गए थे, इसी दौरान वह डूब गए। 22 मार्च से शुरू होगा ऐतिहासिक झंडा मेला। 90 फीट ऊंचे ध्वज दंड को लेकर श्री दरबार साहिब पहुंची संगत। देहरादून का ऐतिहासिक झंडा मेला आगामी 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है। झंडा मेला के लिए पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राज्य के विभिन्न हिस्सों में से पैदल संगत श्री दरबार साहिब पहुँच रही है। 107 सीटों को होगी पीएचडी प्रवेश परीक्षा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने संयुक्त पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 23 विषयों का 107 सीटों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पोर्टल 16 अप्रैल को शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। इसके लिए ₹1,000 परीक्षा शुल्क तय किया गया है। हालांकि UOU प्रशासन ने परीक्षा की तारीख अभी घोषित नहीं की। पुलिस सिपाही के लिए अप्रैल में होगी शारीरिक परीक्षा। पुलिस सिपाही के 1521 पदों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास रिकॉर्ड 2.58 आवेदन आए हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरे होने के बाद अप्रैल माह में शारीरिक परीक्षा आयोजित होने जा रही है। शारीरिक परीक्षा का आयोजन पुलिस मुख्यालय करेगा, जबकि लिखित परीक्षा आयोग लेगा। मसूरी में बारिश के साथ ओले गिरे। मसूरी में शनिवार को मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। सुबह से लेकर अपराह्न 3 बजे तक खिली चटक धूप ने लोगों को जहां गर्मी का एहसास करवाया, वहीं शाम 4 बजे के करीब अचानक आसमान में काले बादल छाने के साथ ही शहर में बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ही ओले गिरने भी शुरू हो गए, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। 6 साल की बच्ची से रेप में सुरक्षा गार्ड गिरफ्तार। राजपुर थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि सुरक्षा गार्ड की नौकरी करने वाले युवक ने माता पिता की गैर हाजिरी में बच्ची से दुष्कर्म किया। 2 दिन बाद बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजनों को इस घटना का पता चला। इधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। होली पर हादसे। नहाते समय डूबने से 12 की मौत, 2 युवक लापता। होली खेलने के बाद प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर नहाने गए 12 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। 2 युवक लापता है, जबकि ऋषिकेश में गंगा नदी में बहे 4 लोगों को बचा लिया गया है। सबसे ज्यादा 6 घटनाएं कुमाऊं मंडल में हुई। इनमें एक चौकी प्रभारी समेत 8 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।